पृथ्वी पर वायुदाब का मतलब क्या है ये समझ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पर जो वायुदाब की पेटियां हैं वो क्या हैं। हम लोग इसके पहले एक तापमान की पेटियां पढ़े थे कि तापमान का पृथ्वी पर क्या वितरण है, कौन कौन सी पेटियां हैं, है ना। तो उसमें हम लोग पढ़े थे क्या क्या तापमान पेटियों का नाम याद है आप लोगों को? कहाँ से याद होगा? वायुदाब पेटियां, तो हम लोग कल वायुदाब पढ़े थे। वायुदाब का मतलब क्या बताए थे कि वायु द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है वही क्या होता है, वायुदाब कहलाता है, है ना। और इस वायुदाब के कारण ही जो हवाएं हैं, है ना, हवाओं का लो प्रेशर और हाई प्रेशर जनरेट होता है, उसी के कारण जो पवनें चलती हैं वो चलती हैं। तो पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर, जो पूरा पृथ्वी आप लोग ग्लोब की तरह देखते हैं, उसमें कई वायुदाब की पेटियां हैं, मतलब जो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, है ना। उच्च वायुदाब और वायुदाब पेटी कहने का मतलब है कि वायुदाब का जो एक क्षेत्र है उसमें एक समान तरह के वायुदाब मिलेगा, चाहे उच्च वायुदाब ही मिलेगा उस क्षेत्र में या तो निम्न वायुदाब मिलेगा। इस तरीके से चार पेटियां हैं, है ना। उत्तरी गोलार्ध में भी चार पेटियां हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी चार पेटियां हैं। उनका महत्व इसलिए है क्योंकि इन्हीं के कारण पूरे विश्व में कुछ पवनें चलती हैं, है ना। वो पूरे विश्व में चलती हैं, वो साल भर चलती हैं, हमेशा चलती हैं, और उन पवनों का बहुत महत्व है, है ना, बहुत कारणों से महत्व है। तो इसलिए हमको इनके बारे में पढ़ना है, वायुदाब पेटियों के बारे में। तो पहले हम लोग इनका चित्रात्मक विवरण बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, और फिर उसको समझेंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है और उनका महत्व क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाना है आप लोगों को, उस चित्र को हम लोग बनाने का प्रयास शुरू करते हैं। जैसे इसके पहले तापमान की पेटियों का चित्र बनाए थे वैसे ही बनेगा। तो इसमें हम लोग पृथ्वी का आधा भाग बनाएंगे, इसके बीचों बीच विषुवत रेखा होगी जो 0 डिग्री अक्षांश है, है ना, और सूर्य है, सूर्य को भी दिखा दे रहे हैं, सूर्य की किरणें हैं। अब इसमें अक्षांशों के बीच में इनकी पेटियां, ये पेटी सबसे महत्वपूर्ण है, जान लीजिएगा। तापमान वाली भले ध्यान में न रहे लेकिन ये वायुदाब की जो पेटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबके दिमाग में होना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे बहुत ही सारी चीज़ें लिंक हैं। आगे चक्रवात जब पढ़ेंगे तो इसका जिक्र आएगा, जब हम लोग बारिश आदि पढ़ेंगे, मानसूनी हवाएं पढ़ेंगे, इसका जिक्र आएगा, है ना। तो आगे का जो भी हम लोग पढ़ेंगे, दबाव आदि जहां भी प्रयोग होता जाएगा वहां इनका जिक्र आएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से दिमाग में रखना है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें हम आपको बताए हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं, साल भर में किसी न किसी समय वो किसी न किसी कर्क और मकर के बीच में जो भी अक्षांश है उसमें लंबवत रहती हैं, ठीक है ना। साल भर लगातार नहीं लंबवत रहती, लेकिन जैसे मान लीजिए 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहती हैं और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भी समय एक दिन बताए थे हम, है ना, कि मार्च के समय विषुवत रेखा पर, है ना, फिर जून के समय कर्क रेखा पर, फिर सितंबर के समय विषुवत रेखा पर, फिर दिसंबर के समय मकर रेखा पर, है ना, ऐसा बताए थे आपको। और बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं, है ना। इसी के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तापमान ज़्यादा देखने को मिलता है और अन्य क्षेत्रों में तापमान क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। अब विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है तो उसके उसके आसपास
जो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री अक्षांश उत्तर और 5 डिग्री अक्षांश दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक है ना। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, नॉर्थ साउथ करके लिख सकते हैं आप। यह एक वायुदाब पेटी है, ठीक है ना। यह एक वायुदाब पेटी है, पहली वायुदाब पेटी, जिसको कहते हैं विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या कहते हैं? इक्वटोरियल लो प्रेशर। अभी इसका पूरा नाम लिखेंगे इधर। तो पहली जो पेटी हमको प्राप्त हुई है, पहली जो पेटी है पृथ्वी पर, वह है विषुवतीय विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। अभी बताएंगे ये निम्न वायुदाब कैसे हो गया। यहाँ पे इंग्लिश में इक्वेटोरियल, विषुवत को इक्वेटोरियल कहते हैं, लो प्रेशर है ना, पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप। और इसका अक्षांश 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। अगली जो पेटी है वह है 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश, 25 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर अक्षांश। और ऐसे ही सेम पेटी दक्षिण में भी मिलेगी, 25 डिग्री उत्तर, 25 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिण, ठीक है। तो सेम वही पेटी है ना, क्योंकि आपको पता है ना विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध। तो सेम वही पेटी उत्तर में भी है, दक्षिण में भी। थोड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उत्तर में स्थलीय भाग ज़्यादा है, दक्षिण में कम है, तो वो प्रभाव आगे देखेंगे। लेकिन पेटियों के नाम में फर्क नहीं मिलेगा, केवल ये अक्षांश में उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो जो दूसरी पेटी है इसको कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब। ये अल्टरनेट, पहले लो प्रेशर होगा फिर हाई, फिर लो फिर हाई, 4 पेटियां हैं। तो दूसरी पेटी जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अभी देखते हैं, इसका नाम पहले लिख लेते हैं। तो जो दूसरी पेटी हम लोगों के पास है वह है उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है ना, इसको कहते हैं STHP। इसका अक्षांश क्या है? 25 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। मतलब इतने क्षेत्र के, ये समझ रहे हैं बात कि नहीं, 5 डिग्री से 5 डिग्री साउथ के बीच में जितना क्षेत्र होगा वहां पे कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो क्षेत्र होगा वहाँ हाई प्रेशर। और इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में घटता बढ़ता रहेगा। ये जो पेटी है यहाँ लगभग हर जगह हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे हाई प्रेशर वाली पेटी है, जहाँ लो प्रेशर है वहाँ लगभग हर जगह लो होगा, बाकी अन्य जगहों पर क्या होगा? चेंज होता रहेगा, इस मतलब समान नहीं रहेगा। जैसे हम आपको बताए थे अभी वायुमंडल की, जब पेटियां पढ़ाए थे ना वायुमंडल की परतें, तो उसमें हम लोग क्षोभ मंडल देखे, समताप मंडल देखे। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में क्या देखे थे? क्षोभ सीमा, एक जगह था क्षोभ सीमा था ना। उस क्षोभ सीमा का तापमान जो था वो फिक्स था, है ना, वो तापमान फिक्स था। जबकि क्षोभ मंडल में तापमान ऊपर जाते हैं तो घटता जाता है, क्षोभ सीमा के पास तापमान स्थिर रहता है, जितना भी तापमान रहेगा वो स्थिर रहेगा, इसीलिए उसको क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे डिवीजन किया जाता है। अगली जो पेटी है वह है 60 डिग्री से 65 डिग्री
60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इधर भी 60 डिग्री दक्षिण से 65 डिग्री दक्षिण। ये जो तीसरी पेटी है इसको कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तीसरी जो पेटी है उसको कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, पेटी भी लिखते जाएगा, पेटी सब में, यहां भी पेटी लिख लीजिए, बेल्ट। तो ये क्या है, सब पोलर लो प्रेशर SPLP अक्षांश लिख लीजिए इसका, 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आखिरी जो पेटी है वह है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। आखिरी जो पेटी है वह है 80 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण, और इसका जो नाम है चौथी पेटी है पोलर हाई प्रेशर PHP, पोलर हाई प्रेशर। मतलब चौथी पेटी जो है वह है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और इसका इंग्लिश में लिख सकते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अक्षांश लिख लीजिए 80 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर और 80 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण। फिर ये पृथ्वी का सतह है तो इसके चारों ओर वायुमंडल की परत है, ठीक है। बना लिया सबने, बना लीजिए जल्दी से। वहां पे चित्र में भी लिखा है, उसको नहीं देख पा रही हो, 80 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, बन गया सबका। इससे पहले कि हम लोग इनकी उत्पत्ति को समझें कैसे होती है, दो चीजें हैं वो समझ लेना चाहिए, एक है कोरियालिस फोर्स और एक है फेरल का नियम। तो उसको साइड में मैं समझा दे रहा हूं, कोरियालिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा, ठीक है। जहां पे भी जो है लिख लीजिएगा इसको, जहां पे भी क्या है, भी है कोणीय वेग
और थीटा क्या है? अक्षांश। अब इसको समझिए क्या है ये। कोरियालिस फोर्स क्या है? कोरियालिस फोर्स, फोर्स समझ में आ रहा है ना, फोर्स, फोर्स ही लिखा है। फोर्स मतलब एक ऐसा बल है जो किस पे कार्यरत कर रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी घूम रही है ना, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह बल जनरेट होता है। और यह बल किस पे कार्य करेगा? यहाँ पे हमको हवाओं पे देखना है कि हवाओं पे कैसे काम करेगा, है ना। हवाओं पे कैसे काम करेगा, आप इसमें क्या क्या बदल सकते हैं? ये कोरियालिस फोर्स है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? वी साइन थीटा के। इसमें भी बदल सकता है और थीटा बदल सकता है ना। भी क्या है? कोणीय वेग है। कोणीय वेग मतलब हवाएं जब चलती हैं तो सीधी रेखा में नहीं चलती हैं हमेशा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उनका जो वेग है वो कोणीय। कोणीय वेग मतलब एक एंगल बना के जो चलती है चीज़ें। आप अगर सीधे चल रहे हैं तो उसको रेखीय वेग कहते हैं, आप गोल गोल घूम रहे हैं तो कोणीय वेग होगा। तो हवाएं जो हैं एकदम सीधे तो चलती नहीं है, वो कुछ एंगल बना के चलती हैं सतह से, इसलिए उसको कोणीय। तो इस पर ध्यान मत दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, भी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन इसमें है थीटा। थीटा से ये पता चलेगा कि किस क्षेत्र में कितना बल लगेगा। जहां पे जितना ज्यादा बल लगेगा वहां पे जो हवाएं हैं उतनी ही ज्यादा अपने मार्ग से भटकेंगी। जहां पे एको बल नहीं लगेगा, आप सीधे जा रहे हैं, आपको कोई धक्का नहीं मार रहा है, तो आप सीधे चले जाएंगे ना। लेकिन आप जा रहे हैं सीधे सीधे, कोई आपको धक्का मार दे रहा है, तो आप दूसरे रास्ते पर चले जा सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो थीटा जो है वो क्या है? अक्षांश है। अक्षांश पे हम लोग जो डिग्री बताते हैं वही थीटा है, दिमाग में रखिए। तो जैसे मान लीजिए अगर विस्वतीय क्षेत्र है, विस्वतीय क्षेत्र है, विस्वतीय क्षेत्र पे थीटा कितना होगा? है सबको जीरो लग रहा है? जीरो ही होगा। विस्वतीय क्षेत्र का अक्षांश क्या है? जीरो है। तो अगर आप विस्वतीय क्षेत्र को देखें, विषुवत क्षेत्र, तो वहां पे जो थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा? जीरो डिग्री। अब अगर कोरियालिस फोर्स देखेंगे तो ये भी साइन कितना हो जाएगा? यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख देंगे? जीरो। अब साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो होता है ना। साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो होता है। तो ये अब मैथ में पढ़ाने नहीं लगूंगा, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन छोड़िए उसको। केवल इतना ध्यान रखिए कि साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो होता है। तो ऐसे में कोरियालिस फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, मतलब कोई बल नहीं लगेगा। इसीलिए जो विषुवत रेखा में हवाएं चलेंगी वो इधर उधर नहीं भटकेंगी, वो सीधे एकदम अपने मार्ग पर चलती रहेंगी। उन पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोई भी बल नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोरियालिस फोर्स किस कारण लगता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण अक्षांश अगर जीरो है विषुवत रेखा पर, तो कोई भी बल क्या करेगा वहां पे कार्य? गायब हो जाएंगे पेपर शुरू करा के। ये बंद कर दो गेट। तो विषुवत रेखा पर जीरो डिग्री अक्षांश होने के कारण कोरियालिस फोर्स कितना हो गया?
जीरो हो गया, मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो हवाओं पे बल लगता है वो कितना लगेगा, जीरो लगेगा, मतलब हवाएं जिस दिशा में चलेंगी उसी दिशा में चलती रहेंगी, वो किसी अपने मार्ग से भटकेगी नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप अक्षांश पे बढ़ते जाएंगे, है ना, अब इसके लिए आपको साइन का मान पता होना चाहिए, पर उतना भी ज़रूरी नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, क्योंकि जीरो डिग्री से कम कोई एंगल नहीं मिलेगा अक्षांश पे आपको। मैक्सिमम अक्षांश का एंगल कितना होता है, अधिकतम अक्षांश कितना है, 90 डिग्री, जो कि यहाँ पे है ध्रुवों पे। तो अगर आप ध्रुवों पे थीटा 90 डिग्री लेके देखेंगे तो क्या मिलेगा, कोरियालिस फोर्स बराबर हो जाएगा भी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो कोरियालिस फोर्स कितना हो जाएगा, भी, मतलब कोरियालिस फोर्स जो मैक्सिमम होगा वो कहाँ पे होगा, 90 डिग्री अक्षांश पे होगा, ध्रुवों पे होगा, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, दोनों जगह 90 डिग्री अक्षांश है ना, मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण सबसे ज़्यादा जो हवाओं में विक्षेपण होगा उसको विक्षेपण कहते हैं, अपने मार्ग से भटकना, वह जो विक्षेपण है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ध्रुवों पे होगा, और सबसे कम कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पर। और विषुवत से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कोरियालिस बल के कारण विक्षेपण बढ़ता जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कई कंपटीशन में, डायरेक्ट आपको दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक कि विषुवत रेखा पर कोरियालिस फोर्स का मान सबसे कम होता है, पहला कथन, दूसरा कथन कोरियालिस फोर्स का मान ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है, दूसरा कथन, तीसरा कथन कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियालिस फोर्स का मान बढ़ता जाता है, चौथा कथन ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो घटता जाएगा, है ना। तो ये चारों में थोड़ा बहुत अंतर कर देंगे, जैसे कह देंगे कि जब आप ध्रुवों से विषुवत रेखा पर आते हैं तो कोरियालिस फोर्स का मान बढ़ता है, उल्टा बोल दिया ना, ध्रुवों से इधर आते तो घटता है, लेकिन उन्होंने बढ़ता बोल देंगे। अब आप केवल इतना पढ़ेंगे कि ध्रुवों से आ रहा है उतने में टिक करके चले आए हो तो गलत हो जाए। तो कोरियालिस फोर्स समझ में आई बात की नहीं, क्या है कोरियालिस फोर्स, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल लगता है जिसका मान हर एक अक्षांश पे अलग अलग है, सबसे कम जो लगता है वो विषुवत रेखा पर, ठीक है, जिस विषुवत रेखा पर जीरो, जिसके कारण कोई विक्षेपण नहीं होता, और सबसे ज़्यादा ध्रुवों पे होता है जिसके कारण मैक्सिमम विक्षेपण होता है, ठीक है। तो कोरियालिस फोर्स हो गया। अब इसके बाद हमको एक नियम पढ़ना है, फेरल का नियम। कोरियालिस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था ये, फेरल का नियम क्या है वो भी जान लीजिए। फेरल का नियम, फेरल के नियम के अनुसार यह उन्होंने बताया कि जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पे जो भी हवाएं चल रही हैं, जो भी पवनें चल रही हैं, हवाएं नहीं, पवन जो चल रही है, वो अपना मार्ग कैसे बदलेगी, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं कोरियालिस फोर्स बढ़ता जाएगा ना, तो मतलब वो अपना मार्ग बदलेंगी, तो मार्ग में वो दाएं मुड़ेंगी कि बाएं मुड़ेंगी, ये निर्धारित करता है कौन, फेरल का नियम। फेरल ने अपने से बताया कि कैसे जो है उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चल रही हैं वो कैसे मार्ग में अपने किधर मुड़ेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में जो चल रही है वो कैसे अपने मुड़ेंगी दिशा, है ना। तो इन्होंने बताया कि जो उत्तरी गोलार्ध में पवनें चल रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध बता रहे हैं पहले, वो जहां से चल रही हैं, जहां से चल रही हैं वहां से किधर मुड़ जाएंगी, दाई ओर मुड़ जाएंगी, किधर मुड़ जाएंगी, दाई ओर, ठीक है। जैसे कैसे समझेंगे इसको, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समझिए, ये अब हम कल आपको एक चीज़ और बताए थे कि कोई सतह है ना, वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है तो हवाएं क्या होंगी, ऊपर जाएंगी, तो लो प्रेशर है तो हवा ऊपर जा रही है, हाई प्रेशर है तो क्या होगा, हवाएं बैठेंगी, और जो पवनें चलती हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब ऐसे चलेंगे, है ना। तो हमेशा यहाँ जितनी भी पेटियाँ बनाए हैं ना, जितनी हवाएं चलेंगी वो कहाँ से चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली पेटी के बीच में। यहाँ देखिए, यहाँ एक हाई प्रेशर है, यहाँ एक लो प्रेशर है, तो यहाँ से यहाँ एक पवन चलेगी, तो वो उसकी दिशा यहाँ से यहाँ होगी, है ना। यहाँ लो है, यहाँ हाई, तो यहाँ से एक इधर जाएगी, एक इधर आएगी, ऐसे ही हाई से लो की ओर, ठीक है ना। तो कैसे फेरल ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगी, उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। कैसे दाईं ओर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ने का मतलब ये है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना है इसको। एक्चुअल में जब चलती तो अगर कोई बल ना लगता तो सीधे चली जाती, अगर कोई बल नहीं लग रहा है इस पवन पे तो इसको सीधे चले आना चाहिए ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना चाहिए कि नहीं। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी का घूर्णन बल काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये किस अक्षांश पे है, 25 और 35 पे, 0 पे तो है नहीं, यहाँ कोई बल ना काम करे। जैसे जैसे इधर जाएंगे कोरियालिस फोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब हवाएं अपने मार्ग से मुड़ती जाएंगी, तो उस कोरियालिस फोर्स के कारण यह हवा सीधी ना के अपने मार्ग से विक्षेपित होगी, और ये जो विक्षेपण होगा उत्तरी गोलार्ध में वो दाहिनी दिशा में होगा, जहाँ से चल रही है वहाँ से दाहिनी दिशा में, ये नहीं कि जहाँ से आप देख रहे हैं। तो इसका दाहिनी दिशा किधर मुड़ेगी, जहाँ से चल रही है, ए की तरफ कि बी की तरफ, हैं, बी की तरफ, सबको लग रहा है बी, ए किसको लग रहा है, ए किसी को नहीं लग रहा, सबको बी लग रहा है। कैसे, आप जब भी देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो चल कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जिधर से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट यहाँ से है ना, इधर अपने आप को महसूस कीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो आपका जो दाहिना हाथ है, अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो दाहिना हाथ किधर होगा, और खड़े ऐसे होइए कि जिधर जा रही है उधर की ओर मुँह करिए, है ना। अगर आप ऐसे खड़े हो गए कि आपका मुँह इधर है तो आपका दाया इधर हो जाएगा, है ना। आपको इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, ये जहाँ से पवन ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से शुरू हो रही है और जिधर जा रही है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ही ओर जाएगी, इसलिए इसकी दिशा इधर बनाए हैं। यहाँ से इधर आ रही है तो आपको यहाँ अपने आप को महसूस करना है और अपना जो मुख है उसको इधर रखना है, फिर दाएं दायां बाएं आपको देखना है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा आपको दाहिना देखना है और दक्षिणी गोलार्ध में बायां देखना है। फेरल ने यही कहा था कि जब पवनें चलती हैं तो विक्षेपण बल के कारण, कोरियालिस फोर्स के कारण, जो उनमें उनका मार्ग जो बदलता है, विक्षेपित होता है, उत्तरी गोलार्ध में वो जहाँ से चलती हैं उसके दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर। तो जैसे ये वाली यहाँ जो पवन चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वो ऐसे मुड़ जाएगी दाहिना। सेम वही पवन यहाँ भी चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना। इसको ऐसे चलना चाहिए था सीधी मार्ग में, लेकिन कोरियालिस फोर्स के कारण मुड़ेगी, और ये किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध, तो इसमें किधर मुड़ेगी, बाएं तरफ। इधर वालों को देखना आसान रहता है, जैसे यहाँ पे आप अपने को खड़ा होकर देखिए, महसूस कीजिए, और आपका चेहरा इधर हो तो बाया किधर होगा, इस तरफ होगा, है ना। तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है ना, सीधी नहीं जाएगी, मतलब यहाँ पे जो भी पवने चलेंगी वो ऐसे चलेंगी, यहाँ पे जो चलेंगी वो ऐसे चलेंगी, ठीक है। फिर अगला, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, है ना, तो हाई से लो की ओर पवन चलना चाहिए था, और ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ किधर मुड़ेंगी, दाईं ओर, मतलब ये ऐसे मुड़नेगी, ठीक है, तो यहाँ ऐसे। फिर इधर आइए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर सीधी चलनी थी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध है तो किधर मुड़ेंगी, बाईं ओर, तो इधर खड़े होके आपको देखना है बाईं ओर किधर है, तो बाईं ओर ए की ओर है कि बी की ओर, है एक ही ओर, समझ में आ रहा है ना सबको, ऐसे खड़े हो जाएंगे तो बाईं ओर इधर है, इधर आपका मुख होगा इधर साइड, तो ये बाईं ऐसे,
तो ये फेरल का नियम था, दिशा है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो वायुदाब की पेटियां हैं, इनके बीच में जो भी पवने चली हैं, कल बात करेंगे, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, और जो डोल ड्रम एक दिन को पूछ रहा था, वो सब इसमें आएगा, है ना, तो कल इस पर बात करेंगे।